हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी इन अर्लियर क्लासेस आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द वेरियस हार्मोन रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड नाउ वी आर डिस्कसिंग द एनाटॉमिकल सेक्शन ऑफ दीज ग्लैंड क्लियर तो यहां पर देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है वो भी हम देखेंगे और इसके कौन कौन से पार्ट है वो भी हम देखेंगे तो आगे बढ़ने से पहले सभी से यही कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो यहां पर देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है एज वी ऑल नो पिट्यूटरी ग्लैंड इज अर्यर नॉन एज ए मास्टर ग्लैंड अर्यर इसको मास्टर ग्लैंड बोलते थे बट नाउ नावर डेज वी ऑल नो दैट Has its own master. का भी कोई master है और वो मास्टर मतलब सभी जो ग्लैंड होती है क्या कह सकते कि वो हेड मास्टर है तो हाइपोथल इज कंट्रोलिंग दर ग्लैंड बट पिट्यूट्री ग्लैंड पिट्यूट्री ग्लैंड जो है वो कितने हारमोन सिक्रीट करती है इट सिक्रीट सेवन हारमोन एंड हाइपोथैल हाइपोथलमस सिक्रेटिंग ऑलमोस्ट नाइन हार्मोन तो ये दोनों ही जो ग्लैंड्स हैं जितने हार्मोन सिक्रिएट करती ऑल ऑफ दीज हार्मोन आर रिलेटेड विद द ग्रोथ डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन होम्योस्टेसिस मेटाबॉलिज्म एंड मोस्ट ऑफ द अदर बॉडी एक्टिविटीज सो दीज हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ आई एम कंसिडरिंग द स्ट्रक्चर एनाटोमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूट्री ग्लैंड सो पिट्यूट्री ग्लैंड की अगर हम एनाटोमिकल स्ट्रक्चर देखें तो पिट्यूट्री ग्लैंड को अगर आप देखोगे तो इसका जो शेप होता है शेप ऑफ पिट्यूट्री ग्लैंड इज वॉट पी शेप पिट्यूट्री ग्लैंड का शेप कैसा है पी शेप है यहाँ पर आप देखिए पिट्यूट्री ग्लैंड को आप देखिए ये पिट्यूट्री ग्लैंड है और अगर इस पिट्यूट्री ग्लैंड को आप देखेंगे तो ये मटर के दाने की तरह है क्लियर ये तो इसका शेप हो गया बट अगर हम इसका डायामीटर देखें और अगर हम इसकी साइज देखें तो इसकी जो साइज़ है पिट्यूटरी ग्लैंड की साइज़ में इसका हम कह सकते हैं कि वन टू वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर जो है इसका डायामीटर होता है तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया इस एरिया में ये क्या हो जाएगा इसका डायामीटर हो जाएगा और डाया इसका कितना होगा वन टू वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर क्लियर एवरी वन अब हम इसकी पोजिशन देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजिशन क्या है क्लियर तो पोजीशन हम देखेंगे कि पोजीशन देखने के लिए हम क्या देखते हैं कि उसके कौन है? नीचे कौन है? तो हम यहाँ द हाइफोफाइज फोजा हाइफोफाइजियल फोजा ऑफ स्पिनोड बोन तो, तो, तो यहाँ पर पहले समझिए कि स्पिनोड बोन क्या है और हाइफोफाइजियल फोजा क्या है तो यहां पर जो मैंने ग्रीन कलर की आपको स्ट्रक्चर बना के दी है दिस

अब अगर हम ये तो हमारे हो गया बेस की बात बट अगर हम इसका सुपीरियर पोर्शन देखें सो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सुपीरियर पोर्शन है ये कैसा है ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ट्यूबुलर शेप है और ट्यूबुलर शेप होते हुए ये किससे अटैच हो रहा है इट इज अटैच विद द हाइपोथैलेमस हाइपोथैलिमस से ये अटैच हो रहा है बट अटैच होने के लिए इसके लिए पास में क्या है देयर इज अ स्टाक और हम कह सकते हैं कि स्टैम लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कि हम क्या बोलते हैं इन्फंडी बुलम बोलते हैं इन्फंडी बुलम एंड दिस जोन इज नॉन एज ए हाइपोथैलमस दिस जोन इज नॉन एज ए हाइपोथैलमस मीन्स इन दिस एरिया वी फाउंड वट हाइपोथैलमस एंड दिस एरिया इज नॉन एज ए मीडियन एमिनंस दिस इज नॉन एज ए डिवाइड तो, की, की जा सकती है फर्स्ट पार्ट इज पोस्टीरियर पिट्यूट्री एंड सेकेंड वन इज एंटीरियर पिट्यूट्री तो एंटीरियर पिट्यूट्री और पोस्टीरियर पिट्यूट्री क्लियर तो एंटीरियर पिट्यूट्री और पोस्टीरियर पिट्यूट्री दो रीजन हो गए यहां पर आइए स्ट्रक्चर में देखते हैं कि कौन कौन से वो So, अगर इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहां पर आप देखिए जो व्हाइट पोर्शन मैंने बनाया जिसमें मैंने कोई कलर नहीं भरा है दैट पोर्शन इज नॉन एज एंटीरियर पोर्शन दैट पोर्शन इज नॉन एज एंटीरियर पोर्शन एंड द ब्लैक पोर्शन जो ब्लैक पोर्शन मैंने बनाया है दैट पोर्शन बेसिकली नॉन एज ए पोस्टीरियर पोर्शन दिस इज अ पोस्टीरियर पोर्शन कही नाउ जैसा कि हमने कहा कि यहां पर कितने एनाटोमिकल स्ट्रक्चर है एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी सो नाउ फर्स्ट वी आर लुकिंग ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी सेक्शन अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी सेक्शन को देखें तो एंटीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो नॉन एज दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड एंटीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो नॉन एज एडीनो हाइफो दिस इज ऑल्सो नॉन एज एडीनो हाइफो ओके एंड इट एनाटोमिकल स्ट्रक्टर इज डिवाइड यहाँ पर इसके दो पार्ट हो जाएंगे तो अब यहाँ पर देखिए पार्ट डिस्टेलिस कौन सा पार्ट है सो so, अगर हम इस व्हाइट पोर्शन को देखें तो जो लार्जर पोर्शन दिस लार्जर पोर्शन दिस लार्जर पोर्शन इज नॉन एज अ पार्ट डिस्टेलिस पार्ट डिस्टेलिस एंड

larger portion is known as a pars nervosa this larger portion is known as a pars nervosa and the another portion is also lie within the infundibulum so infundibulum portion and there is a one more portion which we found in fetal state and that uh, third reason that third reason is known as a pars intermedia, pars intermedia and this third reason is a particularly of pituitary gland, not particularly of posterior pituitary. So this reason is known as a pars intermedia and basically this portion is developed during the fetal stage and it ceases to exist in the adulthood stage and particularly in the adult stage and some of this inter pars intermediary cells माइग्रेट इन टू द एंटीरियर पिट्यूट्री ओके एंड सेल्स ऑल्सो परसिस्ट इन द एंटीरियर पिट्यूट्री क्लियर एवरी वन नाउ वी ऑल नो दैट इन पिट्यूट्री ग्लैंड वी ऑल्सो फाउंड हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम और हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा अभी हम जो है एंटीरियर पिट्यूट्री और पोस्टियर पिट्यूट्री से जो अलग अलग सेल्स जो होती हैं वो किस तरह के हार्मोन सिग्रेट करती हैं उनको डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट इफ यू आर लुकिंग ऑन द एंटीरियर पिट्यूट्री तो एंटीरियर पिट्यूट्री पर हमें अलग अलग तरह की सेल्स मिलती हैं वो कौन कौन सी सेल्स होती हैं द फर्स्ट वन इज सोमेटोट्रॉप्स सेकेंड वन इज गिडोट्रॉप्स थर्ड वन इज कॉर्टिकोट्रॉप्स फोर्थ वन इजाइड्रोट्रॉप्स फिफ्थ वन इज लेक्टोट्रॉप मैं पहले ही आप लोगों से पिट्यूट्री क्लैन के हारमोन में डिस्कस कर चुका हूं कि ये सारी जो सेल्स हैं वो कौन कौन से हारमोन सिक्रिएट करती है वंस अगेन आई रिपीट सोमेटोट्रॉप जो है वो कौन से हार्मोन रिलीज करती है दे रिलीज इज ह्यूमन ग्रोथ हारमोन एंड ह्यूमन ग्रोथ हारमोन और कौन से नाम से जाना जाता है ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी और इसकी वजह से क्या रिलीज होगा इंसुलिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्दर डेवलप सो मेनी थिंग्स इन ह्यूमन बॉडी सेकेंड वन इज गोनेटोट्रॉप एंड गोनेटोट्रॉप आर रिलीजिंग टू काुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफ एस एच एंड नेक्स्ट वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एल एच तो दोनों ही जो हार्मोन है ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को सीक्रिशन कराने में मदद करेंगे और उनके प्रोडक्शन में भी हेल्प करेंगे एंड दे बोथ ऑफ दीज हार्मोन कंट्रोल द जेनेसिस एज वेल एज स्पर्मेटोजेनेसिस थर्ड वन इज जेनेसिसोट्रॉप एंड कॉर्टिकोट्रॉप हेल्प इन द रिलीज ऑफ एसीटीएच टी कॉर्टिकोट्रॉप से हमें क्या रिलीज होगा एसीटीएच रिलीज होगा जिसे कि हम कॉर्टिकोट्रोपिन भी बोलते हैं गोनेटोट्रॉप से रिलीज हो रहा है एफएसएच एंड एलएच एंड सोमेटोट्रोपिन से ह्यूमन ग्रोथ हारमोन देन था वॉट टी एस एच एंड लेट्रोप्स आर रिलीजिंग प्रोलेक्टेन तो इन सभी के फंक्शन में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं जहां पर हमने सारे हार्मोन डिस्कस किए हैं अब अगर हम बात करें पोस्टीरियर पिट्यूट्री की तो पोस्टीयर पिट्यूट्री ऑल्सो सीक्रेट टू काइंड ऑफ हारमोन बट पोस्टीरियर पिट्यूट्री डू नॉट जनरेट दीज हारमोन पोस्टी पिट्यूट्री इन हार्मोन को जनरेट नहीं करती है पोस्टी पिट्यूटरी ओनली स्टोर दीज टू हार्मोन एज वेल एस रिलीज दीज दोनों हार्मोन पोस्टी पिट्यूट्री के कौन कौन से हैं सो के जो हार्मोन हैं दीज टू हार्मोन आर ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच दीज हारमोन आर रिलीज बाय हाइपोथेलमिक न्यूरोसिक्रिटरी सेल्सोथेमिक न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स वी फाउंड इन दिस एरिया हाइपोथैलेमस में हमें मिलेंगी सो ये सेल्स कौन सी होगी हाइपोथैलेमिक न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता क्या है बेसिकली इसके अंदर एक्सोन और एक्सोन टर्मिनल ऑफ हाइपोथैलेमिक न्यूरोसिक्रिटरी सेल के ऑलमोस्ट टेन थाउजेंड एक्जोन और एक्सोन टर्मिनल एग्जिस्ट करते हैं तो यहां पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में यहां पर हमें क्या मिल जाएंगे एक्जोन्स मिल जाएंगे इस तरह से हमें क्या मिल जाएंगे एक्जोन्स मिल जाएंगे और एक्सोन टर्मिनल्स मिल जाएंगे किसके हाइपोथेलमिक न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स के जो न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स होती हैं जो न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स होती हैं इनकी जो सेल बॉडीज होती हैं इनकी जो सेल बॉडीज होती हैं वो कहां पर होती हैं वो पैरावेंट्रिकुलर और सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई के अंदर होती है जो कि पैरावेंट्रिकुलर और ऑप्टिक न्यूक्लियाई दोनों ही हाइपोथैलेमस के पार्ट है तो सेल बॉडीज वहां होती हैं और यहां पर हमें सेल बॉडी मिल गई हाइपोथैलेमस में और इनके जो एक्सोन और एक्सोन टर्मिनल हमें कहा मिल रहे हैं वो पिट्यूटरी में मिल रहे हैं और और ये 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 क्या बना रहे ये बना रहे रहे हैं हैं हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट इस तरह से जो ट्रैक्ट बन रहा है इस ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे हाइपोथेलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट और ये ट्रैक्ट पर्टिकुलरली कहां से शुरू होता है हाइपोथेलेमस से स्टार्ट होता है इट इज स्टार्ट फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड एंड एट ब्लड कैपिलरीज ऑफ द पोस्टीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी की ब्लड कैपिलरी में एंड होता है तो यहां से जो है हार्मोन प्रोड्यूस होगा और इस हाइपो हाइपोथैलेमो हाइपोथाइल ट्रैक्ट से होकर कहां पहुंच जाएगा इस ब्लड कैपिलरी में पहुंच जाएगा पोस्टीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी तो posterior pituitary में स्टोर होगा और यहीं पर फिर क्या होगा रिलीज होगा रिलीज होकर फर्दर कहा मिल जाएगा ब्लड कैपिलरी से मिल जाएगा तो दो हार्मोन हो गए हमारे ऑक्सीटोसिन और एडीएच so यहां पर देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ब्लड किस तरह से सप्लाई होगा यहां पर देखिए दिस दिस इजरी रेड कलर आई शोन आर्ट्री ये आर्ट्री है और इस आर्ट्री को हम क्या बोलेंगे इंफीरियर हाइपो फाइजियल आर्ट्री ये इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्ट्री है और इन्फीरियर हाइपो फाइजियल आर्ट्री जो है फर्दर कहाँ पर अपना जो है ब्लड ड्रेन कर रही है इट ड्रेन इट्स ब्लड इन टू द कैपिलरी प्लेक्सेज ऑफ इन्फन्डिगुलर प्रोसेस तो यहाँ पर दिस इज द कैपिलरी प्लेक्सेज ऑफ इन्फेंडिगुलर प्रोसेस यहाँ पर यह ब्लड ड्रेन कर रही है और यहाँ पर इस ब्लड से फर्दर इनसे कौन अपना ब्लड लेके जा रहा है पोस्टीरियर हाइपोफाइजियल वेन पोस्टीरियर हाइपोफाइजियल वेन इनसे अपना ब्लड लेकर जा रही है तो यहाँ पर जो भी हार्मोन रिलीज होगा वो हमारा इन्फियर हाइपोफाइजियल आर्टरी से होकर कैपिलरी प्लेक्सिस पर जाकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर चला जाएगा और पोस्टीरियर हाइपोफाइजल वेन में चला जाएगा और फिर वहाँ से अलग अलग ऑर्गन और अलग अलग टिश्यू तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो आई होप यहाँ पर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर समझ में आई होगी यहाँ पर हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें जय भारत जय हिंद